गायनों को मास्क किया। Gynecomastia is the condition in which there is increasing size of the breast in male. Okay, and this is a generally adiabatic condition. ये इसमें क्या होता है कि पुरुषों में basically breast का size एक particular size होता है, तो female जैसा नहीं होता है। और जब size breast का size बढ़ जाता है female के जैसे दिखने लगता है, female के breast जैसा उसका shape आने लगता है, तो उसको बोलते हैं gynecomastia। इसके जो मुख्य कारण है ये एडियोबेटिक, एडियोबेटिक मीन्स इसका कोई कारण नहीं है। आफ्टर प्यूबर्टी देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट इन मेन, बट समटाइम दैट डजंट हैपेंस एंड ब्रेस्ट रिमेन्स ऑफ द लार्जर साइज। ओके, दैट इज नोन एज अ गायनेकोमास्टिया। समटाइम देयर आर डिसीजेस, सम हार्मोनल डिसीजेस, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ द हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, इन दैट केस यू कैन गेट अ गायनेकोमास्टिया, दैट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया। Sometimes there is a tumor, there is a something, there is an increase in the gland size. That is because of the neuroplastic changes, cancer ke changes jo hote hai na, hum uske wajah se bhi gynecomastia hota hai, usko pathological gynecomastia bolte hai. Generally, jaise maine bataya ki idiopathic hota hai, iska koi karan nahi hota hai, non-pathological hota hai, to ye hamare sharir ko aisa koi nuksan nahi karta hai. But sometime, cosmetic point of view, bache embarrass ho jate hai. जिसमें लोगों को लगता है कि साइज, ब्रेस्ट साइज बड़ा होने से फिर लोग उन्हें टीज करने लगते हैं आपको, तो उस स्थिति में हम उसको कॉस्मेटिक सर्जरी करके हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में बिल्कुल एक छोटे से इंसिजन से सर्जरी होती है जिसमें वो स्कार कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और बिल्कुल आपकी नॉर्मल मेल में जैसी चेस्ट होती है वैसी चेस्ट बनाई जा सकती है। थैंक यू।